हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू टैलेंट स्प्रिंट. स्वागत है आपका टैलेंट स्प्रिंट में. दोपहर के 3 बज गए हैं और जैसा कि हमने आपसे वादा करा है कि हर सोमवार और शुक्रवार को दिन में 3 बजे हम आपसे मिलेंगे और देंगे आपको एक पावर पैक्ड डोज. जी हाँ, एक आधे घंटे 40 मिनट की पावर पैक्ड डोज हम लेंगे और जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कभी वोकैबुलरी, कभी जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और कभी स्पीड मैथ्स. तो कल आप सब लोगों ने से जिन्होंने कल हमारा सेशन ज्वाइन करा था, आप सबको पता होगा कल हमने वोकैबुलरी करी थी. आज हम करेंगे करंट अफेयर्स. जी हाँ, करंट अफेयर्स की कुछ ऐसी खबरें डिस्कस करेंगे जो आपको आपके सभी बैंक एग्जाम्स के लिए पता होनी चाहिए और साथ साथ में उससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स जिसको हम जनरल अवेयरनेस कहते हैं वो भी डिस्कस करेंगे. तो जिससे पहले हम शुरू करें, याद से टैलेंट स्प्रिंट के बैंक और एसएससी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि इस तरह के जो भी वीडियोस हम अपडेट करते हैं, जो भी हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, उनको आप मिस ना करें. तो मैं देख सकती हूँ हमारे बहुत सारे दोस्तों ने हमें यहाँ ज्वाइन कर लिया है. लान्यो, सुरेश, मोती, दीक्षा, गिरीश, सम्राट, मनोज, अवधेश, सोवेल, आंशु, मनोशवेल, हेलो गाइज, हाय, स्वागत है आप सबका टैलेंट स्प्रिंट में. जैसा कि मैंने बोला, तो चलिए बगैर बिल्कुल भी और समय वेस्ट करे चलते हैं हम आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज की पहली वो बड़ी खबर क्या है जो हम डिस्कस करेंगे. चलिए, ओके गाइस, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन chooses its head of ethics committee. अब International Olympic Association, जैसा कि हम सबको पता है, एक अंतर्राष्ट्रीय association है, एक अंतर्राष्ट्रीय body है जो कि हर 4 साल पे Olympics जो organize कराती है. तो International Olympics Committee में association में क्या एक ethics का commission है, मतलब एक नैतिकता का commission है जो ध्यान रखता है कि सारा काम ethically हो, सारा काम नैतिक रूप से हो, कुछ भी गलत ना हो. तो इस कमिटी के जो नए हेड है वो बना दिए गए हैं. इस कमिटी के नए हेड का नाम है बन की मून. अब अगर आप ध्यान देंगे तो बन की मून जो नाम है ये गाइस हमारे लिए कोई नया नाम नहीं है. क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि बन की मून को क्यों जानते हैं हम, बन की मून क्यों प्रसिद्ध है? वेल, आप में से जिनको याद नहीं है मुझे उनको याद दिलाने का मौका दीजिए कि बन की मून जो है वो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे. ही वॉज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस 2000, जहां तक कि मुझे याद है 2006 से करीब 2007 से 2016 तक. जी हाँ, 2007 से 2016 का जो अंतराल था उसमें बन की मून यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे और ये काफी ही जाने माने डिप्लोमेट हैं विश्व भर में और ये साउथ कोरिया से हैं. तो ये कहां से हैं? ये हैं साउथ कोरिया से. और इनसे पहले जो यूनाइटेड कमीशन, जो इंटरनेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन के एथिक्स कमीशन के हेड थे, उनका नाम वो थे सेनेगल देश से और उनका नाम था यूसुपा न्यादे. तो YOUSSOUPHA, यूसुपा न्यादे, ये हैं सेनेगल से. तो अब तो जैसा कि मैंने बोला, बन की मून इंटरनेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन की जो नैतिक कमेटी है उसके नए हेड हैं और बन की मून को हम इसलिए जानते हैं कि वो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे साल 2007 से साल 2016 तक और वो साउथ कोरिया के हैं. अब बन की मून से पहले जो नैतिक कमेटी के हेड थे उनका नाम है यूसुपा नदियाए और वो सेनेगल देश के हैं. जी हाँ, वो सेनेगल देश के हैं. अब पिछले एक साल से जो यूनाइटेड जो इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी है, जो उनकी नैतिक कमेटी है, उसको काफ़ी समय से क्वेश्चन करा जा रहा था. वो कटघरे में थी क्योंकि काफ़ी सारे करप्शन चार्जेस लगाए गए थे. जी हाँ, आपने सही सुना, IOA में जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है,
IOA जिसको हम कहते हैं, लॉट्स ऑफ करप्शन चार्जेस, लॉट्स ऑफ करप्शन के काफी सारे चार्जेस लगाए गए थे, जिसकी वजह से आईओए पे काफी प्रेशर था कि वो जो उनका नैतिक हेड है उसको बदले, इसीलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया है. अब जबकि हमको ये पता चल गया, चलिए आईओए के बारे में मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी. अब चलिए मैं आपसे आईओए के बारे में कुछ सवाल पूछती हूं. तो मेरा पहला सवाल, आईओए जैसे कि हम सबको पता है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है, आईओए का नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन. तो मेरा आपसे प्रश्न है, आईओए को कब एस्टैब्लिश किया गया था, जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है, व्हेन वाज इट फॉर्मड, इस एसोसिएशन को कब बनाया गया था. तो चलिए जल्दी से अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड्स पे या फिर अपने फोन के स्क्रीन्स पर टाइप करके बताइए, आईओए फॉर्मड, आईओए को कब फॉर्म किया गया था, व्हेन वाज द आईओए फॉर्मड. जी हाँ, आपने सही सुना, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है ये किस साल में बनी थी, ये कहाँ कब बनी थी, इस एसोसिएशन को कब बनाया गया था. तो चलिए जल्दी से बताइए. हम सबको पता है गाइस कि इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन है जो हर चार साल पर जो ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज कराती है. सम्राट हमें बोलते हैं 1984. जी हाँ सम्राट, आपका जवाब एकदम सही है, 23rd June 1894 को आईओए का फॉर्मेशन हुआ था. जी हाँ, इसके साथ साथ मेरा अगला क्वेश्चन आप सबको कि आईओए के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं. हम सबको पता है जितनी भी ये अंतर्राष्ट्रीय बॉडीज होती हैं इन सब का कहीं ना कहीं हेडक्वार्टर होता है. तो मेरा आपसे प्रश्न है, आईओए के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, इनका जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है जिसको हम कहते हैं, आईओए का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है. चलिए एक बार फिर से अपने कंप्यूटर स्क्रीन्स पर या फोन स्क्रीन्स पर टाइप करके बताइए कि आईओए का मुख्यालय कहाँ है, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ आईओए. गाइज आप में से कुछ लोग 1927 बोल रहे हैं, नहीं, आईओए का फॉर्मेशन हुआ था 1894 में. जी हाँ, 1894 में आईओए को फॉर्म करा गया था. मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि आईओए के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं. शुभम बोलते हैं स्विट्जरलैंड, सम्राट हैज सेड लुसान स्विट्जरलैंड. वेल सम्राट, शुभम आप दोनों ही सही हैं. द सिटी वेयर द, वो शहर जहां पर आईओए के हेडक्वार्टर्स हैं उस शहर का नाम है लुसान, LAUSANNE, और लुसान शहर स्विट्जरलैंड देश में है. जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत देश है स्विट्जरलैंड. लुसान स्विट्जरलैंड में आईओए के हेडक्वार्टर्स हैं. अब गाइज मेरा आपसे जो अगला प्रश्न है वो ये है, आईओए का मोटो क्या है. जी हाँ, व्हाट इज द मोटो ऑफ आईओए. प्रतीक, लंदन अपेरेंटली 1984 में आईओए बनी थी और इसके हेडक्वार्टर्स अब लुसान स्विट्जरलैंड में है, लंदन में इसके हेडक्वार्टर्स नहीं है, लेकिन 2012 के जो ओलंपिक्स थे वो जरूर लंदन में हुए थे. तो गाइज मेरा आपसे अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है जो मेरा आपसे, वो ये है कि आईओए का मोटो क्या है, वो कौन सी ऐसा बिलीफ है, क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का मोटो, व्हाट इज द मोटो ऑफ आईओए. जी हाँ, मेरा आपसे अगला प्रश्न यही है गाइज कि आईओए का मोटो क्या है. चलिए, आई एम वेटिंग गाइज, इंतजार है मुझे आपके जवाब का. सिटियस एल्टियस फोर्टियस, फैबुलस शुभम, एकदम सही बोला आपने, आईओए का मोटो है सिटियस एल्टियस फोर्टियस. तो मैं आपके लिए स्क्रीन पर लिखती हूं गाइस, CITIUS, सिटियस एल्टियस एंड फोर्टियस. गाइज FORTIUS ये है गाइज लैटिन भाषा में. जी हाँ, ये लैटिन भाषा में है. जब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं तो ये बन जाता है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, जैसा कि शुभम ने हमें बताया है.
faster, higher or stronger. जी हाँ गाइज, तो IOA का मोटो है सिटियस एल्टियस फोर्टिस और इसका मतलब होता, ये लैटिन भाषा में है और इसका मतलब होता है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर. इसके साथ मेरा जो अगला प्रश्न आपसे है, हु इज द फाउंडर, IOA के फाउंडर कौन थे गाइज. IOA जैसा कि आप सबने एकदम सही बोला कि लुसान स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, 1894 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी. मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि इस ऑर्गेनाइजेशन, जी हाँ, IOA के जो फाउंडर मेंबर हैं, जिन्होंने IOA को बनाया था, उनका क्या नाम है. चलिए एक बार फिर से अपने कंप्यूटर स्क्रीन्स पर टाइप करके बताइए. थोड़ा सा मुश्किल नाम है, बट अगर एक बार आप थोड़ा सा याद रखने में, वो नाम मुश्किल हो सकती है, कठिनाई हो सकती है, लेकिन सच पूछे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है. काफ़ी चांसेस हैं कि जनरल अवेयरनेस सेक्शन में इस तरीके का इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी पर बेस्ड कोई प्रश्न आपसे पूछा जाए. थॉमस बाक, वेल सम्राट, थॉमस बाक वॉज नॉट द फाउंडर. थॉमस बाक फाउंडर नहीं थे. जो IOA के फाउंडर हैं उनका नाम है पेर दे कोबाता. सो उनका नाम है PIE पेर दे कोबाता. जी हाँ, फ्रेंच नाम है तो जरा लिखा किसी और तरीके से जाता है और प्रोनाउंसिएशन, उसको बोलने का तरीका कुछ और होता है. तो जो IOA हैं उसके फाउंडिंग मेंबर, उसके फाउंडर थे पेर दी कोबता. पेर दी कोबता वॉज द फाउंडर, वो फाउंडर थे IOA के. चलिए अगला क्वेश्चन मेरा आपसे IOA के बारे में है कि जो IOA का सिंबल है, जो आपने सब देखा, आप सबने देखा होगा कि IOA का सिंबल जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है, आपको इसमें ऐसे पांच रिंग्स दिख रही होंगी और ये पांचों रिंग्स आपस में जुड़ी हुई हैं. तो IOA के इस सिंबल का मतलब क्या है, वॉट इज मेंट बाय, जो ये चिन्ह है IOA का, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ को दर्शाता है. तो मेरा आपसे क्वेश्चन है सिंबल के बारे में, जो चिन्ह है IOA का, ये चिन्ह क्या दर्शाता है. चलिए जल्दी से अपने कंप्यूटर स्क्रीन्स पर टाइप करिए, फोन के स्क्रीन पर टाइप करिए और हमें बताइए कि IOA का सिंबल क्या है, क्या है चिन्ह IOA का. तो शुभम, मैं देख सकती हूँ आपने लिखा है पैर दे, तो आगे का नाम मुझे पूरा करने दीजिए, पेर दे कोबाता, ही वॉज द फाउंडर. जी हाँ, पेर दे कोबाता फाउंडर थे IOA के. अब अगला प्रश्न जो मैंने आप सबसे पूछा है गाइस, कि जो ये पांच रिंग्स हैं, संतोष दिलीप आप सबने एकदम सही बोला, फाइव कॉन्टिनेंट्स. ये जो पांचों रिंग्स हैं, ये हमारे पांच कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं और इसको ऐसे करने की वजह है कि स्पोर्ट्स, जो खेल है, वो पांचों कॉन्टिनेंट्स को साथ लाता है. पांचों कॉन्टिनेंट्स के जो खिलाड़ी हैं वो साथ आकर खेलते हैं ओलंपिक्स जैसे बड़े खेल, बड़े ऐसे स्पोर्टिंग इवेंट में, तो ताकि जो पांचों कॉन्टिनेंट्स हैं इनके बीच यूनिटी बनी रहे, ये पूरा विश्व कहीं ना कहीं साथ मिलकर रहे. तो जो ये पांच रिंग्स हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं हमारे पांच कॉन्टिनेंट्स को. चलिए थोड़े और प्रश्न पूछते हैं ओलंपिक्स के बारे में, कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं. अब जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा गाइस, कि जो ओलंपिक्स हैं उसकी जो कमिटी है 1894 में कमिटी बनी थी. मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि पहले समर ओलंपिक्स कब हुए थे, फर्स्ट समर ओलंपिक्स कब और कहां हुए थे. जी हाँ, फर्स्ट समर ओलंपिक्स, व्हेन एंड वेयर वर द फर्स्ट समर ओलंपिक्स हेल्ड, कब और कहाँ पहले पांच ओलंपिक्स हुए, पहला ओलंपिक, जो पहला समर ओलंपिक्स का गेम था वो कहाँ हुआ था और किस साल में हुआ था. तो मानस इज टेलिंग अस जो पांचों रिंग्स हैं, कौन सा रिंग कौन से कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है. वेल मानस, काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप हमसे शेयर कर रहे हैं. तो मानस कहते हैं ब्लू यूरोप है, येलो एशिया है. चलिए मानस, बाकी तीन रिंग्स भी अब हमें फटाफट बता ही डालिए जो आप ये बता रहे हैं. तो गाइस, जब तक वो हमें बताते हैं, अमन 1986 एथेंस ग्रीस. जी हाँ, 1986 में
1896 में, गाइस माफ करिएगा, 1896 में एथेंस में जो ग्रीस में एक शहर है वहां पर पहले समर ओलंपिक्स हुए थे इन द ईयर 1896 एथेंस में हुए थे। चलिए मानस ने हमें बाकी भी बता दिया है। मानस कहते हैं ब्लैक अफ्रीका है, चलिए लिख लेते हैं, आपको याद रहेगा सबको। ब्लैक गाइस रिप्रेजेंट करता है अफ्रीका, ग्रीन रिप्रेजेंट करता है ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद रेड रिप्रेजेंट करता है अमेरिका, और येलो रिप्रेजेंट करता है मेरे ख्याल से येलो रिप्रेजेंट करता है एशिया, और ब्लू रिप्रेजेंट करता है यूरोप। जी हां, जैसा कि आप सबने देखा। तो वेल मानस, फैबुलस इंफॉर्मेशन, थैंक यू, थैंक यू मानस फॉर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन विद अस। चलिए अब आप सबने जैसे कि बताया कि पहले समर ओलंपिक्स 1896 एथेंस में ग्रीस में हुए थे। सेकेंड क्वेश्चन मेरा इस बारे में आपसे है, फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स कहाँ हुए थे? जी हाँ, आईओसी विंटर समर, आईओए समर ओलंपिक्स के साथ साथ विंटर ओलंपिक्स भी करता है। तो पहले विंटर ओलंपिक्स कहाँ हुए थे गाइस? कब और कहाँ पहले विंटर ओलंपिक्स हुए थे, ये है मेरा आपसे अगला प्रश्न। When and where were the first Winter Olympics held? Well, मैथिली 1896 में ग्रीस में पहले समर ओलंपिक्स हुए थे, और जो मैंने अब आपसे प्रश्न पूछा है वो पूछा है कि पहले विंटर ओलंपिक्स कहाँ हुए थे, जो पहले जिनमें स्कीइंग के तरीके के अलग अलग स्पोर्ट्स इंक्लूडेड हैं, जो बर्फ पर आइस पर खेले जाते हैं। 1924 फ्रांस, ग्रेट, एकदम सही बोला शुभम आपने। तो मैं आपको शहर का नाम भी बताना चाहूंगी पहले। 1924 शिमोनिक्स नाम का एक शहर है फ्रांस में, CHAMONIX, और ये शहर है गाइस फ्रांस में। जी हाँ दोस्तों, शिमोनिक्स फ्रांस में पहली बार हुए थे पहले विंटर ओलंपिक्स। चलिए अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूं कि साल 1992 तक जो समर और विंटर ओलंपिक्स थे दोनों एक ही साल में होते थे। जी हाँ, 1992 तक। लेकिन 1992 में जो आईओए है उन्होंने डिसाइड करा कि हर कि एक साल में दो इतने बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना काफ़ी मुश्किल है, तो उसके बाद से हर दो साल पर उन्होंने ये कर दिया। तो दो चार चार साल बाद विंटर और समर ओलंपिक्स होते हैं, लेकिन हर ओलंपिक के बीच दो दो साल का अंतराल होता है। तो मेरा अब आपसे अगला क्वेश्चन है कि लास्ट जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे वो कब और कहां हुए थे? लास्ट विंटर ओलंपिक्स, व्हेन एंड वेयर वर दे हेल्ड? जी हां, आप हम जैसा कि हमने डिस्कस करा, पहले विंटर ओलंपिक्स हुए थे शिमोनिक्स फ्रांस में 1922 में। लास्ट विंटर ओलंपिक्स कहां हुए थे? लास्ट विंटर ओलंपिक्स कब और कहां हुए थे, पिछले विंटर ओलंपिक्स, ये है मेरा आप सबसे प्रश्न। कब और कहां हुए थे लास्ट विंटर ओलंपिक्स? काफी आसान सा क्वेश्चन है। थोड़ी सी हिंट दे सकती हूं कि जो ब्राजील में 2016 में ओलंपिक्स हुए थे उससे पहले हुए थे विंटर ओलंपिक्स। आपको बस मुझे साल और शहर बताना है। वेल, रियो में तो हुए थे समर ओलंपिक्स, शिवा एकदम सही। 2014 में गाइस सोची नाम का एक शहर है रशिया में, वहां पर हुए थे लास्ट विंटर ओलंपिक्स। अब नेक्स्ट प्रश्न मेरा आपसे है गाइस कि नेक्स्ट विंटर ओलंपिक्स कहां होने हैं? पिछले विंटर ओलंपिक्स तो आप सबने मुझे बता दिया कि सोची में हुए थे साल 2014 में, तो इससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि साल 2018 में होने हैं अगले विंटर ओलंपिक्स, क्योंकि 2014 प्लस 4 इज 2018। अगला प्रश्न है कि जो अगले विंटर ओलंपिक्स होने हैं साल 2018 में वो कहां होंगे? चलिए जल्दी से बताइए। चलिए गाइस, मैंने पूछा 2018 में होने वाले विंटर ओलंपिक्स कहाँ होने हैं, आपके
आंसर का वेट कर रही हूं मैं, आप सबके जवाबों का वेट। टोक्यो में तो 2020 में समर ओलंपिक्स होने हैं। वेल शिवा एकदम सही, 2018 में साउथ कोरिया में होंगे हमारे अगले विंटर ओलंपिक्स। जी हाँ, 2018 साउथ कोरिया में होंगे विंटर ओलंपिक्स, 2020 टोक्यो में होंगे अगले समर ओलंपिक्स। सो 2020 टोक्यो जापान में होंगे समर OLYMPICS। सॉरी गाइस, जी हाँ। चलिए अब जिससे पहले कि हम अगली स्क्रीन पर जाएं, एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं सारे पॉइंट्स जो हमने अभी तक डिस्कस करे हैं कि इस खबर से रिलेटेड और आईओ से रिलेटेड हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें डेफिनेटली पता होनी चाहिए, हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो गाइज, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की जो हेड ऑफ एथिक्स कमीशन है, उन्होंने अपना जो हेड है वो बदल लिया है। जो नैतिक कमीशन है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का, पहले जो उसके हेड थे वो थे यूसुपा नदियाए, जो थे सेनेगल के, लेकिन अब उनके नए हेड हैं बन की मून। अब बन की मून गाइस, जैसा कि हम सबको पता है, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे साल 2007 से साल 2016 तक, और वो साउथ कोरिया के हैं। वेल, अब इसके बाद आते हैं हम आईओए के बारे में, जो हमने डिस्कस करा है, जल्दी से एक सरसरी नजर डाल लेते हैं। आईओए ने क्यों बदला अपने एथिक्स कमीशन के हेड को, क्योंकि आईओए पे काफी सारे करप्शन के चार्जेस लग रहे थे। आईओए को फॉर्म करा गया था 23 जून 1984 में। इनके हेडक्वार्टर्स है लोजान स्विट्जरलैंड में। इनका मोटो है सिटियस एल्टियस फोर्टिस, जो कि लैटिन भाषा में है, और इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बनता है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। इनके फाउंडर थे पेर दे कोबिता, और जो ये सिंबल है, जो कि आप ये पांच रिंग्स देख सकते हैं, ये पांचों कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ब्लू है यूरोप, ब्लैक है अफ्रीका, रेड है अमेरिका, येलो है एशिया, और ग्रीन है ऑस्ट्रेलिया। अब जो पहले समर ओलंपिक्स थे जो आईओए ने करे थे, वो 1896 में एथेंस ग्रीस में हुए थे। पहले विंटर ओलंपिक शमोनिक्स फ्रांस में हुए थे साल 1924 में। जो पिछले विंटर ओलंपिक्स थे वो साल 2014 में सोची रशिया में हुए थे। जो अगले विंटर ओलंपिक्स हैं वो साल 2018 में साउथ कोरिया में होंगे, और 2020 में होंगे टोक्यो जापान में अगले समर ओलंपिक्स। जी हाँ, आप सबने एकदम, ये रहा हमारा एकदम क्रक्स स्लाइड। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। Well guys, ugly news है, the World Bank has allocated 8 billion for the infrastructure projects of the Chinese initiative Silk Road Economic Belt. जी हाँ, Silk Road Economic Belt एक काफी interesting सा economic project है, जो China के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने साल 2013 में Xi Jinping, जी हाँ, साल 2013 में जिनपिंग, जो चाइना के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये प्रोजेक्ट रेकमेंड करा था और बोला था कि सिल्क रोड के बारे में, जो सिल्क रूट है, जो ऐतिहासिक रूप से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हमने काफ़ी इतिहास के बारे में जिसमें पढ़ा है उसके बारे में कुछ करा जाए। तो वर्ल्ड बैंक ने उनको $8 बिलियन इस प्रोजेक्ट के लिए दी हैं। तो अब मेरा आपसे प्रश्न है गाइस, कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक? जी हाँ गाइस, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि वो 8 बिलियन रुपीस, जी हाँ, $8 बिलियन देंगे चाइना को
सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट के लिए। जी हाँ, तो चलिए जल्दी से बताइए कि वर्ल्ड बैंक के जो अभी के प्रेसिडेंट हैं उनका क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ओके, इंतजार कर रही हूँ गाइज मैं आपके आंसर का। चलिए, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का क्या नाम है गाइज? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक? जिम योंग किंग। जी हाँ सम्राट, आपने एकदम सही बोला, जिम योंग किंग। जी हाँ, जिम योंग किम। जिम योंग किंग इज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक ने घोषणा करी है कि वो $8 बिलियन देंगे चाइना को सिल्क रोड के प्रोजेक्ट के लिए। अब जो ये सिल्क रोड का प्रोजेक्ट है ये क्या करेगा, इसका एम क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? ये ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और ट्रेड, जी हाँ माना जा रहा है। और कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी इसमें, कौन से देश होंगे वो भी देखते हैं। तो सेंट्रल यूरोप प्लस साउथ ईस्ट एशिया। जी हाँ, माना जा रहा है कि सेंट्रल यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया के बीच के जो देश हैं उनको परिवहन, ऊर्जा और ट्रेड के क्षेत्र में काम करने में काफ़ी मदद करेगी सिल्क रूट। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सिल्क रूट है क्या, व्हाट इज द सिल्क रूट। तो वेल, मुझे आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताने दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे आपको इतिहास बताने दीजिए। जी हाँ, सिल्क रूट वॉज फाउंडेड इन द ईयर, सिल्क रूट जिसको हम कहते हैं सिल्क रूट, इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर, जी हाँ ध्यान से देखिएगा, 207 BC। जी हाँ, आपने एकदम ध्यान से देखा, 207 BC में जो हन डायनेस्टी है चाइना की, जो हन डायनेस्टी थी चाइना की, उन्होंने 207 BC में, जी हाँ 2200 साल से भी पहले, ये सिल्क रूट डिस्कवर करी थी। और ये सिल्क रूट ट्रेड करने का, व्यापार करने का एक तरीका था सेंट्रल यूरोप, सेंट्रल एशिया और, जी हाँ यहाँ पे सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के देशों के बीच। तो क्या होता था, कुछ जैसा कि आप देख सकते हैं जो सिल्क रूट है वो जमीन पर भी थी और वो सी पर भी थी। मैप पर ध्यान दीजिए और आप सब देखेंगे कि जो ऐतिहासिक रूप से काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर रहे हैं, रोम, एथना जिसको अब हम एथेंस कहते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल, बगदाद दिखेगा आपको, समरकंद दिखेगा, फिर यहाँ पे आपको होतान दिखेगा, यहाँ पे लजाओ दिखेगा, यहाँ पे जोंग दिखेगा। और अगर आप सी रूट देखें जो BC guys is meant before Christ, जी हाँ before Christ, Christ के जन्म होने से पहले जो English calendar था वो BC के रूप में अब हम उसको जानते हैं, before Christ हम कहते हैं guys BC। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप हम सी की रूट देखें गाइस, तो इसमें भी आपको काफी इंटरेस्टिंग शहर दिखेंगे। एक बार फिर से रोम, एथेंस दिखेगा, टेर दिखेगा, अलेक्जेंड्रिया दिखेगा, आपको मस्कट दिखेगा, बाबरून दिखेगा, मुनीजा दिखेगी, आप मुम्बाजा दिखेगा, कैलकटा दिखेगा और मलाक्का दिखेगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे गाइस, तो आप देखेंगे कि जो सिल्क रूट है ये सेंट्रल यूरोप से शुरू होकर पूरे एशिया से होते हुए जो साउथ ईस्ट एशिया है, जो जापान और कोरिया, वहाँ तक आती थी। तो सिल्क रूट असल में 2007 BC में जब शुरू हुई थी, तो इट स्टार्टेड फ्रॉम सेंट्रल यूरोप, सेंट्रल यूरोप से इसकी शुरुआत हुई थी और ये सेंट्रल यूरोप से होते हुए जापान, कोरिया, जी हाँ जापान और कोरिया तक पहुंची इसकी शुरुआत सेंट्रल यूरोप से होते हुए। अब क्या होता था उस समय, उस समय होता था कि सेंट्रल यूरोप के घोड़े काफ़ी प्रसिद्ध थे, जो सेंट्रल एशिया है उनके स्पाइसेस, जी हाँ उनके मसाले काफ़ी प्रसिद्ध थे, और चाइना की सिल्क और चाय। तो सिल्क रूट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रूट के ज़रिए जो चाइना की सिल्क है वो यूरोप में पहुंची और उसके बाद
बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई। तो हम देखते हैं सेंट्रल यूरोप से क्या मिलता था लोगों को। सेंट्रल यूरोप से मिलते थे हॉर्सेस, जिनको हम कहते हैं घोड़े। उसके बाद सेंट्रल एशिया से मिलते थे स्पाइसेस, जिनको हम कहते हैं मसाले। और चाइना से मिलता था सिल्क। जी हाँ, और काफी बाद में मच लेटर चाय भी। तो अब इसकी क्या वजह थी कि जो व्यापारी थे वो यूरोप से शुरू होते थे अपने पास घोड़े लेकर। जब वो सेंट्रल एशिया पहुंचते थे तो वो थोड़े घोड़े ट्रेड करते थे, घोड़ों का व्यापार करते थे और मसाले खरीदते थे। इन मसालों और घोड़ों को लेकर वो पहुंचते थे चाइना, जहां वो मसाले और घोड़े देते थे, और चाइना से, चीन से सिल्क और चाय खरीदते थे। ये चाय और सिल्क खरीदने के बाद वो एक बार फिर से पहुंचते थे सेंट्रल एशिया, जहां पे वो थोड़ी सी चाय और सिल्क का व्यापार करते थे, थोड़े और मसाले खरीदते थे और चाय, सिल्क और मसालों के साथ वापस यूरोप पहुंचते थे। तो गाइज, जो ये सिल्क रूट है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, ऐतिहासिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है, और साल 2007 BC से इसका प्रयोग करा जा रहा है। तो हम देखते हैं सिल्क रूट में इकोनॉमिक, जी हाँ, अर्थव्यवस्था में, फिर कहीं ना कहीं ट्रेड में, व्यापार में, और साथ साथ में पॉलिटिक्स में, जो हम कहते हैं दो देशों के बीच जो पॉलिटिकल संबंध है, सिल्क रूट का उसमें एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है। साथ साथ गाइस कल्चर, संस्कृति, लिटरेचर को भी पूरे विश्व को फैलाने में सिल्क रूट ने एक बहुत ही अहम हिस्सा निभाया है। एक चीज आपको जान के काफी हैरानी होगी, प्लेग, जो कि एक काफी गंभीर बीमारी है जिससे काफी लोगों की मृत्यु हो चुकी है इतिहास में, जी हाँ, प्लेग भी सिल्क रूट द्वारा ही पूरी दुनिया में फैला था। जी हाँ, प्लेग जो है वो सिल्क रूट द्वारा ही पूरी दुनिया में फैला था। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो सिल्क रूट थी वो साल 2007 BC में हंग डायनेस्टी ने शुरू करी थी, उसके बाद ये बढ़ती ही चली गई, इसके अलग अलग और रास्ते निकले। एक जमीन पर रास्ता है, एक समुद्र का रास्ता है, और ये सेंट्रल यूरोप से सेंट्रल एशिया होते हुए साउथ ईस्ट एशिया तक आती है। सेंट्रल यूरोप के घोड़े, सेंट्रल एशिया के मसाले और चाइना की सिल्क और चाय, व्यापारी इन चीज़ों का व्यापार करते थे। अर्थव्यवस्था, ट्रेड, पॉलिटिक्स, संस्कृति, लिटरेचर में काफ़ी अहम हिस्सा रहा है पिछले 2200 सालों में सिल्क रूट को पूरी दुनिया में फैलाने का। और साथ साथ ऐसा कहा जाता है कि प्लेग की जो बीमारी है वो भी साल 2000 वो भी सिल्क रूट की वजह से ही पूरी दुनिया में फैली। एक चीज जो आप सबको यहां मालूम होनी चाहिए, साल 2014 में यूनेस्को, जो यूनाइटेड नेशंस की ही एक बॉडी है गाइस, साल 2014 में यूनेस्को ने जो सिल्क रूट के अलग अलग कॉरिडोर्स हैं, तो जो सिल्क रूट का कॉरिडोर है जिसका नाम है चैंगन ट्यानशान, इस कॉरिडोर को डिक्लेयर करा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जी हाँ, ऐतिहासिक रूप से जो विश्व के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यूनेस्को उन जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम देता है। तो साल 2014 में जो ये एक रास्ता है, जो सिल्क रूट का एक हिस्सा है, जिसको हम जैंग टिशांग कॉरिडोर कहते हैं, उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया है और बोला है कि ऐतिहासिक रूप से बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार गाइज, मुझे दिख रहा है आप में से कुछ लोग काफ़ी हैरान हैं कि माय गॉड, इतनी पुरानी चीज़ सिल्क रूट। आई एम श्योर हिस्ट्री बुक्स में, इतिहास की किताबों में हम सब ने स्कूल में ये पढ़ा होगा। तो चलिए एक बार जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं और बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो पहले अब एक सरसरी नज़र, वर्ल्ड बैंक ने $8 बिलियन देने की घोषणा करी है चाइना को सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट परियोजना के लिए। 2013 में जो चाइना के प्रेसिडेंट थे जी जिनपिंग, उन्होंने ये आइडिया दिया था। तो जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं जिम योंग किंग, उन्होंने बोला है कि जी हाँ, चाइना को दिया जाएगा, कि चाइना को $8 बिलियन दिए जाएंगे
और इसका जो ये नई इकोनॉमिक परियोजना है, अर्थव्यवस्था की जो ये परियोजना है, इसके तहत माना जा रहा है परिवहन, ऊर्जा और व्यापार में काफी बढ़ोतरी होगी सेंट्रल यूरोप, सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के देशों के बीच। सिल्क रूट आज की नहीं गाइस, 2200 साल से ज़्यादा पुरानी है। साल 2007 BC में हन डायनेस्टी ने ये शुरू करी थी। सेंट्रल यूरोप से व्यापारी घोड़े लेकर शुरू होते थे, सेंट्रल एशिया पहुंचकर वो कुछ घोड़ों का व्यापार करते थे, कुछ मसाले खरीदते थे और वो घोड़े और मसाले खरीदकर वो वापस पहुंचते थे चाइना, जहां पर वो घोड़े और मसाले चीनियों को बेचते थे और वो चीनियों से सिल्क और चीनी लेकर सेंट्रल यूरोप के रास्ते होते हुए वापस यूरोप पहुंचते थे और इसी की वजह से सिल्क और चाय पूरे विश्व में फैला है। इकोनॉमिक, ट्रेड, पॉलिटिकल, कल्चर और लिटरेचर को पूरी दुनिया में फैलाने में सिल्क रूट का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और माना जाता है प्लेग, जो कि काफ़ी एक जानलेवा बीमारी है, वो भी सिल्क रूट की वजह से ही पूरी दुनिया में फैली थी। और साल 2014 में यूनेस्को ने शांग टिशांग जो कॉरिडोर है सिल्क रूट का, उसको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा है। जी हाँ, एक छोटी सी खबर, लेकिन अगर आप एक छोटी सी खबर को ठीक से एनालाइज करें, उसके सभी पहलू देखने की कोशिश करें, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके प्रतियोगी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और अगली कौन सी न्यूज़ है, अगली कौन सी ऐसी खबर है जो हम डिस्कस करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69th एनुअल एमी अवार्ड्स प्रेजेंटेड। जी हाँ, जो वार्षिक एमी पुरस्कार है उनका 69th वर्जन लॉस एंजलिस में हुआ। तो ये कहाँ हुआ? जो माइक्रोसॉफ्ट थिएटर है लॉस एंजलिस में, माइक्रोसॉफ्ट थिएटर नाम की एक जगह है LA, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में US में, वहाँ पर 69th एनुअल जो एमी के वार्षिक पुरस्कार हैं वो हुए। तो जो एमी के पुरस्कार हैं ये एक अमरीकी पुरस्कार है, दिस इज एन अमेरिकन अवार्ड, एक अमरीकी टेलीविजन के लिए, अमेरिकन TELEVISION, ये अमेरिकन टेलीविजन के अवार्ड्स हैं, अमरीकी अमेरिकन टेलीविजन। अब जिस तरह से गाइज ऑस्कर होते हैं मूवीज के लिए, ग्रैमी होता है म्यूजिक के लिए, उस तरह से एमी है जो टीवी पर प्रोग्राम आते हैं उनके लिए। तो इनका 69th जो वर्जन था वो माइक्रोसॉफ्ट थिएटर में लॉस एंजलिस में हुआ और इसके जो होस्ट थे 69th एमी अवार्ड्स के जो होस्ट थे वो थे स्टीफन कोलबर्ट ने इनको होस्ट करा। स्टीफन कोलबर्ट ने होस्ट करे जो 69th वार्षिक एमी पुरस्कार थे। और एक पुरस्कार जो यहाँ आप सबको मालूम होना चाहिए, हैंडमेड्स टेल नाम का एक टीवी ड्रामा है, इसको बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला, आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज। जी हाँ, आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज। अब हर साल किसी ना किसी टीवी शो को आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिलता है, लेकिन हैंडमेड स्टेल क्यों स्पेशल है? हैंडमेड स्टेल इसलिए थोड़ा ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि पहली बार किसी वेब टेलीविजन सीरीज को ये पुरस्कार दिया गया। जी हाँ, वेब टेलीविजन सीरीज। हैंडमेड स्टेल पहली ऐसी वेब टेलीविजन सीरीज है जिसको आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का वार्षिक एमी पुरस्कार दिया गया। एमी पुरस्कार 25th जनवरी 1949 को शुरू हुए थे अमेरिका के हॉलीवुड एथलेटिक क्लब में। तो अमेरिका में एक हॉलीवुड एथलेटिक क्लब है जो एक बार फिर से लॉस एंजलिस में ही है,
जी हाँ, हॉलीवुड एथलेटिक क्लब जो लॉस एंजलिस में है, उसमें 25 जनवरी 1949 को ये एमी पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी. और जो इस बॉडी इसको होल्ड करती है, जो एसोसिएशन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, उस एसोसिएशन का नाम है ATAS, और इनका फुल फॉर्म है ACADEMY Academy of Television Arts and साइंस. जी हाँ, ATAS का फुल फॉर्म है Academy of Television Arts and Sciences ARTS. जी हाँ, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. 69th एनुअल एमी अवार्ड्स माइक्रोसॉफ्ट थिएटर लॉस एंजलिस में हुए. ये अमेरिकन टेलीविजन के काफ़ी प्रसिद्ध पुरस्कार हैं, जैसे मूवीज के लिए ऑस्कर और म्यूजिक के लिए ग्रैमी. इसको होस्ट किया स्टीफन कोलबर्ट ने. हैंडमेड्स टेल को आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला, और ये विश्व की पहली टेलीविजन सीरीज है जिसको ये पुरस्कार मिला है. एनुअल एमी अवार्ड्स 25 जनवरी 1949 को लॉस एंजलिस के हॉलीवुड एथलेटिक क्लब में शुरू हुए थे, और इनको होस्ट करता है ATAS, अकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेस. जी हाँ, ये था एमी पुरस्कारों के बारे में, एमी अवार्ड्स के बारे में. बढ़ते हैं दिन की आखिरी खबर की ओर, और देखते हैं क्या है वो न्यूज़ जो है अब डिस्कस करने के लिए. लुइस हैमिल्टन विंस सिंगापुर ओपन ग्रैंड पिक्स. जी हाँ, लुइस हैमिल्टन जो ब्रिटेन के एक फॉर्मूला वन रेसर हैं, जी हाँ, ब्रिटेन के एक फॉर्मूला वन रेसर हैं, उन्होंने सिंगापुर ओपन ग्रैंड पिक्स जीता. जी हाँ, तो लुइस हैमिल्टन वो आए फर्स्ट, और वो ड्राइव करते हैं एक कंपनी के लिए जिसका नाम है गाइस मर्सिडीज AMG पेट्रोनास, MERCEDES मर्सिडीज AMG PETRONAS. जी हाँ, मर्सिडीज AMG पेट्रोनास ये आए फर्स्ट. जो सेकंड आए उनका नाम है डैनियल रिकार्डो. ये आए सेकंड, और ये जिस टीम के लिए फॉर्मूला वन में भाग लेते हैं उस टीम का नाम है गाइस रेड बुल. जी हाँ, रेड बुल की टीम के लिए, और ये हैं ऑस्ट्रेलिया से. और जो तीसरी पोजीशन पे आए उनका नाम है वाल्टेरी बोटास. ये आए थर्ड. ये जिस टीम के लिए रेस करते हैं उस टीम का नाम है मर्सिडीज. इसको मर्सिडीज AMG पेट्रोना से कंफ्यूज मत करिएगा. MERCEDE. जी हाँ, ये इस कंपनी के लिए, मर्सिडीज के लिए इन्होंने ये फॉर्मूला वन में हिस्सा लेते हैं, और ये हैं फिनलैंड देश के. जी हाँ, तो लुइस जो सिंगापुर ओपन ग्रैंड पिक्स हुआ उसमें पहले नंबर पे थे लुइस हैमिल्टन, जो ब्रिटेन के फॉर्मूला वन रेसर हैं, और मर्सिडीज AMG पेट्रोनास के लिए खेलते हैं. दूसरे नंबर पे थे डेनियल रिकार्डो, जो ऑस्ट्रेलिया से हैं और रेडबुल के लिए खेलते हैं. तीसरे नंबर पे थे वाल्टेरी बोटास, जो मर्सिडीज के लिए खेलते हैं, और वो हैं फिनलैंड से. अच्छा, बात करते हैं थोड़ी लुइस हैमिल्टन के बारे में गाइस. अब हम थोड़ी सी बात करते हैं लुइस हैमिल्टन के बारे में. लुइस हैमिल्टन, जैसा कि हमने बताया कि ब्रिटेन से हैं, वो एक ब्रिटिशर हैं, तो वो थ्री टाइम विनर ऑफ वर्ल्ड चैंपियनशिप है. तीन बार वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके हैं. थ्री टाइम विनर ऑफ वर्ल्ड चैंपियनशिप. जी हाँ, तीन बार वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके हैं. पहली बार वो जीते थे साल 2008 में,
उस समय वो मैकलारन नाम की कंपनी के लिए खेलते थे, मैकलारन नाम की कंपनी उनको स्पॉन्सर करती थी। साल 2014 और साल 2015 में भी वो जीते, इस समय वो मर्सिडीज के साथ ही थे, मर्सिडीज एएमजी के साथ ही थे वो। तो लुइस हैमिल्टन 3 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं, पहली बार साल 2008 में जब वो मैकलारन के साथ थे, फिर साल 2014 और 15 दोनों में तब वो मर्सिडीज एएमजी के पास आ चुके थे। गाइस अब बात करते हैं थोड़ी सिंगापुर ग्रैंड पिक्स की। जी हाँ, सिंगापुर जीपी, सिंगापुर ग्रैंड पिक्स। हाँ, अब वो मर्सिडीज एएमजी पेट्रोनास के लिए ही खेलते हैं। अब बात करते हैं गाइस सिंगापुर ग्रैंड पिक्स के बारे में। तो सिंगापुर ग्रैंड पिक्स होता है मरीना बे स्ट्रीट सर्किट में। जी हाँ, मरीना बे स्ट्रीट सर्किट सिंगापुर में एक जगह है। हर जो फॉर्मूला वन रेसिंग होती है, हर सर्किट का एक नाम होता है। तो जो सिंगापुर के ग्रैंड पिक्स के सर्किट का नाम है गाइस, वो है मरीना बे स्ट्रीट सर्किट। और इसकी शुरुआत हुई थी, सिंगापुर ग्रैंड पिक्स की शुरुआत हुई थी साल 1961 में। लेकिन साल 1961 के बाद 1962 में इसका नाम बदलकर हो गया था मलेशियन ग्रैंड पिक्स। इसका नाम हो गया था मलेशियन ग्रैंड पिक्स, क्योंकि सिंगापुर उस समय एक आजाद देश नहीं था। 60 तो गाइज ध्यान दीजिएगा, 62, 63 और 64 में सिंगापुर ग्रैंड पिक्स का नाम था मलेशियन ग्रैंड पिक्स। 1965 में एक बार फिर से उसका नाम हो गया सिंगापुर ग्रैंड पिक्स। उसके बाद 1966 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, और फिर साल 2008 में फिर से शुरुआत करी गई इसकी, इट बिगैन अगेन। जी हाँ, तो गाइस एक बार जल्दी से हम अपने इस स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं यहां हमने क्या क्या पढ़ा। तो लुइस हैमिल्टन ने सिंगापुर ओपन का ग्रैंड पिक्स जीता है, वो मर्सिडीज एएमजी पेट्रोनास के लिए खेलते हैं और वो ब्रिटेन से हैं। दूसरे नंबर पे थे डैनियल रिकार्डो जो रेडबुल के लिए खेलते हैं और ऑस्ट्रेलिया से हैं। तीसरे नंबर पे थे वाल्टेरिया बोसार जो एक बार फिर से मर्सिडीज के लिए ही खेलते हैं, बट मर्सिडीज एएमजी पेट्रोनास और मर्सिडीज को कंफ्यूज मत करिएगा, वो फिनलैंड से हैं। लुइस हैमिल्टन 3 बार विश्व चैंपियनशिप फॉर्मूला वन की जीत चुके हैं, 2008 में जब वो मैकलारन के साथ थे और 2014 और 15 दोनों में जब वो मर्सिडीज एएमजी के साथ थे। सिंगापुर ग्रैंड पिक्स मरीना बे स्ट्रीट सर्किट में होता है। इसकी शुरुआत हुई थी साल 1961 में। 1962 में इसका नाम मलेशियन ग्रैंड पिक्स रख दिया गया, क्योंकि उस समय सिंगापुर एक आजाद देश नहीं था। साल 1962, 1963, 1964 में ये मलेशियन ग्रैंड पिक्स के नाम से हुआ। 1965 में एक बार फिर से इसका नाम बदलकर कर दिया गया सिंगापुर ग्रैंड पिक्स। 1966 में इसको डिसकंटिन्यू करा गया और फिर से साल 2008 में इसकी शुरुआत करी गई। जी हाँ गाइस, आज के लिए जनरल अवेयरनेस की, करंट अफेयर्स की इतनी ही डोज। लेकिन याद रखिए, मंडे से फ्राइडे रोज दिन में 3 बजे हम मिलते हैं आपसे और आपको देते हैं एक पावर पैक डोज जो आपको मदद करेगी आपके बैंक, एसएससी या कोई भी प्रतियोगी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि जब भी कोई लाइव क्लास होती है आपको पता लगे, और साथ में जब भी हम कोई नया वीडियो आपके लिए अपलोड करते हैं। तो गाइज एक बार फिर कल मिलेंगे 3 बजे, तब तक के लिए मेरे भी सुरभि की तरफ से बाय। एक बार कल फिर मिलेंगे गाइज, बाय बाय।